ओ आरोपी की टेंशन खत्म। ओ वन रैंक ऑन वन पेंशन के भी विषय में जितनी भी झंझटें उलझने थी वो लगभग अब समाप्त हो चुकी। चर्चा में हम बहुत से मसलों पर चर्चा करेंगे जो बिल्कुल करंट न्यूज है और आपको आशा करता हूं कि जरूर सुकून और चैन देगा। मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब के तरफ से 23 सितंबर की ट्वीट निकल कर आई है और ओआरओपी के ऊपर उनको कुछ फॉलोइंग ट्वीट भी किया गया है, इसे भी हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। यहां पर मोदी सरकार की घोषणा भी आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मोदी गवर्नमेंट इसमें लिखा है कि मोदी गवर्नमेंट अनाउंसेज ओआरओपी 6 थिंग्स टू नो अबाउट वन रैंक वन पेंशन। मतलब कि मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 6 ऐसी बातें हैं वन रैंक वन पेंशन से संबंधित जिसको जानने की आवश्यकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और वहीं जो सीएसडी की फैसिलिटी जो एक सर्विसमैन उठाते हैं उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर, अच्छी सौगात हमारे पास है, उसे भी हम आपको बताएंगे। उनके लिए एक सौगात निकल कर आई है, 21 सितंबर 2022 की तारीख है। यह सीएसडी स्मार्ट कार्ड्स के विषय में है, जो एक सर्विसमैन में शामिल है कार्डधारी जिनके पास स्मार्ट कार्ड है, कैंटीन कार्ड है, उनके संबंधित है। ये सारी बातें, सारी खबरें हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम सीएसटी कैंटीन के बारे में जान लेते हैं, जो बिल्कुल नया नोटिफिकेशन 21 सितंबर का है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो भी एक सर्विसमैन है जिनके पास स्मार्ट कार्ड है या सिविल डिफेंस एम्प्लॉई है, उनका स्मार्ट कार्ड हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता था। यदि एक बार उनका कैंटीन कार्ड बन गया है तो उसे बार बार अब रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं है। यह नियम 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। उससे पहले इस नियम ऐसा था कि हर साल आपका कार्ड रिन्यूअल कराना पड़ता था, लेकिन 1 जनवरी 2023 से पहले जिनके रिन्यूअल का डेट है उनको तो रिन्यूअल कराना पड़ेगा, लेकिन 1 जनवरी 2023 के बाद इसे रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब के ट्वीट पर भी थोड़ा विचार कर लें। उनके ट्वीट में लिखा है कि गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड वन रैंक मेनी पेंशंस एंड नॉट वन रैंक वन पेंशन। मतलब कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार, गवर्नमेंट ने, सरकार ने यहाँ पर वन रैंक, एक रैंक और अनेक पेंशन की व्यवस्था लगा रखी है, लेकिन वन रैंक वन पेंशन का नियम लागू नहीं किया है। ये अच्छी बात नहीं है। सारी मुहिम हम इसी पर चला रहे हैं और वे इस बात पर खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और पता नहीं कि सरकार कब तक वन रैंक वन पेंशन को इम्प्लीमेंट करेगी। इसका भुगतान किस्तों में होगा, जिनका बकाया है एरियर्स, या एक मुश्त बकाया दिया जाएगा, इसकी अभी पक्की तारीख नहीं आई है। लेकिन आशा करता हूं कि जल्द ही यह जो वन रैंक वन पेंशन की जो मुहिम है वो कामयाब होगी और सरकार जल्द ही पेंशनधारियों के खाते में उनके एरियर्स को भेजेगी।